करीम लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर ख्वासा। इस वक्त NA60 में खड़ा हूँ रावलपिंडी में। ये एक बहुत ही अहम हलका है और आने वाले इलेक्शनों में यहाँ पे कांटे का मुकाबला होगा। शेख रशीद साहब उम्मीदवार हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनको सपोर्ट कर रही है, और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब वो भी बड़े मशहूर सियासतदान हैं, वो भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं इस हलके का थोड़ा सा तारफ आपको करवाता चलूँ। इस हलके में चकलाला 1 शामिल है, चकलाला 2 शामिल है, चकलाला कैंट शामिल है। रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इसमें UC 19, UC 21, UC 25, UC 26, UC 27 और UC 28 शामिल है। इसमें टोटल वोटर्स जो 2013 में थे वो 2,88,000 हैं। इस वक्त 3 लाख से ज़्यादा तादाद इनकी हो चुकी है। इस हलके की आबादी तकरीबन 8 लाख के करीब है और ये आने वाले दिनों में यहाँ बड़ा कांटे का मुकाबला होगा और आपको जलसे जुलूस भी नज़र आएंगे। यहाँ पे इमरान खान साहब भी आएंगे और इसी जगह पे यकीनन मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ साहब भी आपको नज़र आएंगे। दोनों उम्मीदवारों के साथ हमने आज उनके साथ इंटरेक्ट किया है। हनीफ अब्बासी साहब के पास सबसे पहले जाएंगे और इसके बाद शेख रशीद साहब को, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि उनके साथ भी बात कर सकें लेकिन उनके साथ बराह रास्त बात नहीं हो सकी। मंसूर मेरा साथी है, इस टीम का हिस्सा है, वो मेरे सवाल लेकर उनके शेख रशीद साहब के पास गए थे और शेख रशीद साहब ने उनके जवाब रिकॉर्ड करवाए। मेरे सवाल और उनके जवाब भी आप इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुलाहजा करेंगे। सबसे पहले हनीफ अब्बासी साहब के पास चल भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज्बात तो यहाँ पे बहुत नजर आ रही है। फरमाइएगा कि मुकाबला फरजंदे रावलपिंडी के साथ है, मुकाबला कर लेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं कहता ये मुकाबला कैसे होगा। मुकाबला तो ये आवाम का जोश और जज्बा आपके सामने है। फिर शेख साहब तो पहले 5 साल इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पे रहे ही नहीं। एक जो मेरे NA56 से इलेक्शन जीता वो दोबारा रावलपिंडी में आया ही नहीं। यहाँ 5 साल अपने लोगों की, बुजुर्गों की हमने खिदमत की है। मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उससे शुरू करूंगा। मेरा अपोनेंट गालियों से शुरू करता है, मेरा अपोनेंट इल्जामात से शुरू करता है, मेरा अपोनेंट जो है वो ऐसे लताइफ और अशार से शुरू करता है जिसका ना जमीन से कोई ताल्लुक है ना आसमान से कोई ताल्लुक। लेकिन दो पार्टियों के साथ आपका मुकाबला है, अवामी मुस्लिम लीग, शेख रशीद साहब बहुत पुराने सियासतदान है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथ भी मुकाबला। दो पार्टियों का मुकाबला कर लेंगे आप अकेले? मैं शेख रशीद साहब के और अपने इलेक्शन, मैंने पहला इलेक्शन 2003 में शेख साहब के खिलाफ लड़ा, 54,000 मेरे थे, 9,000 उनके थे। फिर 2008 में मेरे 78,000 थे, 11,000 उनके थे। और तीसरे इलेक्शन के अंदर इमरान खान इधर आ गया, ये भाग के चले गए और मेरे 70,000 थे, 79,000 उसके थे। अब 2018 का इलेक्शन है जिसमें 5 साल हम लोगों के दरमियान मौजूद रहे और शेख रशीद अब रावलपिंडी का शहरी नहीं है, रावलपिंडी का रहने वो अवामी आदमी है, अवामी नहीं है। अवाम के साथ होते हैं हर जनाजे में, हर शादी में, हर सड़क पे। उनको मैंने यहाँ पे मैं उनको सिरी पाए खाते हुए देखता हूँ रावलपिंडी शहर। लोग बड़े समझदार हैं, ये ड्रामाई अंदाज, ये छुपदाबाजी लोग इसको जान चुके हैं। इलेक्शन के दिनों में आके किसी रेड़ी पे खड़े होकर 2 नान खा लेना, इलेक्शन के दिनों में आके जनाजों में शिरकत करना, ये खुद गर्जी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल अपने लोगों की खुशियों में भी शरीक रहे और गमों में भी शरीक रहे। और दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, जरा वजाहत कर दूँ, शेख साहब रावलपिंडी के रिहायशी नहीं है, वो F7 में रहते हैं, ये बाकी उनकी ड्रामाबाजी है। लेकिन जो हमने बात की है, काम किया, मैं उसका जिक्र करूँगा। इस रावलपिंडी के अंदर शेख साहब 6 दफा क्लेम करते मैं वजीर रहा, वो एक टेन्योर में अगर 3 वजारतें तब्दील हुई उसको भी गिन लेते हैं, मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ 10 दफा वजीर रहे। क्या आपने रावलपिंडी को कोई नया हॉस्पिटल दिया? हमने दिया, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, गायनी हॉस्पिटल कमेटी, हमारे लोगों के लिए माँ बहन और बेटी के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं थी रावलपिंडी में 70 साल में। ये 70 साल गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। हमने आज रावलपिंडी में मेट्रो दी, 14 महीनों में बनाई, 1,55,000 लोग सफर करते हैं। वो बेटी जिसको बाप छोड़ने जाता था, वो बेटी जिसको भाई लेने जाता था, आज वो इज्जत के साथ मेट्रो में बैठती है और हिफाजत के साथ वापस आती है।
तीसरी बात रसूल ने, लेकिन ये ध्यान में रखें कि 2013 में लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, इमरान खान साहब को वोट दिए थे, आज 2018 में वही लोग आपको वोट क्यों देंगे? वही तो मैं कर रहा हूँ कि हमने 2013 के बाद जीतने वाला बन्नीगाला की पहाड़ियों में और चित्राल की पहाड़ियों में चला गया, हम अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहे, और उसके बाद हमने किडनी लीवर ट्रांसप्लांट बनाया, उसके बाद खेलों के मैदान बने, सफाई सुथराई का निजाम, आप कैमरा लेके निकल जाएं आपको गलियों में गंदगी नजर नहीं आएगी। किस रावलपिंडी के अंदर गंदगी के ढेरों को हमने साफ किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे आई, भी आपके आने से पहले मरी रोड के ऊपर हम यहाँ पे पानी की गाड़ियाँ जो है वो चल रही थी, मैंने अपने ऑल्ड जो पुराना मेरा NA56 था 46 फिल्ट्रेशन प्लांट्स मैंने लगाए, स्कूल और कॉलेजेस की ग्राउंड्स को अपलिफ्ट किया, पार्क्स बनाए बच्चों के लिए। अभी इस वक्त रावल रोड पे जाएं, आपको इस उम्र के बच्चे जो अपनी माओ की उंगली थामे उस शबाशी पार्क के अंदर होंगे। इस रावल पिंडी में 70 साल में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेरे बच्चों के लिए नहीं था, मैंने 70 साल में 76 करोड़ रुपए की लागत से टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और शेख साहब किस पार्लियामेंट में जाना चाहते हैं जिसपे वो लानत भेजते थे, जिस पार्लियामेंट के ऊपर देखे वो, मेरा ख्याल ये है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट पर उन्होंने लानत भेजी, इमरान खान की पार्लियामेंट पर लानत नहीं भेजी, उसमें चले जाएंगे वो की नहीं थी, वो पार्लियामेंट इस आवाम की थी, उसने आवाम को गालियां दी हैं, वो मियां नवाज शरीफ को गालियां नहीं दी, और फिर उसका गुरु जो है गुरु भी पार्लियामेंट पर गालियां देता था। और आज बड़ी मुझे आज बड़ा मजा आया, मैं अभी गुजर रहा था एक पैनाफ्लेक्स के ऊपर, उसके गुरु की तस्वीर लगी थी जिसको टेलीविजन टॉक शो पे वो कहता था तू टांगे की सवारी है, तू कप्तान, तेरे पास तो 2 सीटें हैं, आज उसको अपना लीडर मान रहा है। ये वक्त के आके गधे को भी बाप कहने वाला शख्स है, और ये आप जेन में रख लें चौधरी साहब, ये इलेक्शन जो है नजरिए का भी इलेक्शन है, और ये इलेक्शन लेकिन ये जेहन में रखिएगा नहीं भाई साहब कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ इमरान खान है, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इमरान खान इस पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, आप इमरान खान की पॉपुलैरिटी का कैसे और ये मेरी जाती कोई करिश्मा नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ का करिश्मा है कि रहमताबाद हो, गरीबाबाद हो, या शक्रियाल हो, या आर्या मोहल्ला हो, किसी जगह को ढोकलाई बख्श हो या ढोकखब्बा हो, जहां हम जाते हैं लोग पहले जिक्र नवाज शरीफ की जात का करते हैं, फिर शहबाज शरीफ के काबों का करते हैं, ये हमारी जात। लेकिन एक और सर हकीकत है, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। एक ऑप्शन, एक इशू यह भी है कि इस्लामाबाद यहां से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब आज तक आपके हल्के में नहीं आए, 5 साल उनके पास थे, वे यहां आते, लोगों से मिलते। पहली बात क्यों महरूम रखा कि मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के के लिए जो कुछ किया है, दोनों सीटें जब 2013 में हार गए थे तो फिर तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए थी, फिर तो 5 साल बाद जाके इन्वेस्टमेंट होती, वो तो गुजरांवाला में सियालकोट में इन्वेस्टमेंट होती। मियां शहबाज शरीफ 15वें दिन रावलपिंडी शहर मेरे घर में थे, नवाज शरीफ साहब अभी जब ये लॉन्ग मार्च हुआ जीटी रोड वाला, 9 घंटों में फैजाबाद से यहाँ लियाकत बाग तक वो आए, इस जम्मे गफीर ने, इन लोगों ने उनका इस्तकबाल इसी गर्मी के अंदर किया था, इसी गर्मी के अंदर किया था, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मेट्रो ले लें, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, अपना कॉलेजेस ले लें, स्कूल ले लें, सफाई का निजाम ले लें, ये किसने दिया है? गुनफा या खून से तो नहीं होगी ना चीज़ें? यहाँ पे तो आकर एक बंदा दिया गया, वसीला दिया गया, मियां नवाज शरीफ के विजन को इम्प्लीमेंट किया, किसने इम्प्लीमेंट किया? शहबाज शरीफ ने किया, किसने इम्प्लीमेंट किया? उसके कारकुन हनीफ अब्बासी ने किया, दिन रात एक किया। हम मेट्रो बना रहे थे, कहते हैं 9 अरब की बनेगी, हमने कहा जी बना ले 9 अरब की, वो पिशावर पड़ा है, 75 अरब क्रॉस कर गया है। किसी ने पूछा खान साहब 75 अरब की आपकी, 10 अरब रुपए की आप बनाने चले थे, कहते हैं नहीं, पिशावर वाली मेट्रो में जो टायर होंगे वो सोने के होंगे, अंदर हीरे लटके हुए होंगे।
वादा करने वाली वो मेट्रो भी हम बनाएंगे, हमारी हमारी खिदमत वो लेंगे पख्तून। नहीं भाई साहब, ये फरमाइएगा कि रावलपिंडी के अंदर आपकी पार्टी के अंदर बहुत दड़ाने पड़ चुकी हैं, शकील अवान साहब के टिकट की वजह से यहाँ पे जलसे और जुलूस हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मामले में भी यहाँ पे लोकल एडजस्टमेंट हो जाए, पोलिटिकल एडजस्टमेंट हो जाए, लोग ऊपर का वोट किसी को दे दें, नीचे का वोट किसी को दे दें। देखिए जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपने धड़ेबंदी की बात, इस वक्त रावलपिंडी सिटी और कैंटोनमेंट के अंदर पार्टी के अंदर कोई धड़ेबंदी नहीं, और हम एक कश्ती के सवार हैं, और जो बेईमानी करेगा वो कभी भी कामयाब इस रावलपिंडी में नहीं हो सकता। इस वक्त एक बेईमान भी हमारे अंदर मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह ताला एक स्टैंप लगेगी ऊपर भी और नीचे भी, और वो शेर मना क्यों नहीं लेते शकील अवान साहब और जियाउल्लाह शाह वगैरह को, उन दोनों को एक जियाउल्लाह शाह साहब को टिकट नहीं मिला, मेरा वो भाई है, मेरा दोस्त है, और उसको हमने समझा दिया है शकील अवान का टिकट है, लीडरशिप ने फैसला कर लिया है, और इसके बाद अब सारे हम एक हैं, एक पीपी का इशू है सारे हम एक। मैंने वक्फा देना, लेकिन अनिल भाई साहब ये जहन में रखिएगा कि आपके खिलाफ केस चल रहा है, और शेख रशीद साहब का ख्याल ये है कि आप इलेक्शन जब होगा तो उससे पहले पहले आपके खिलाफ भी फैसला आ सकता है, तो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। ये फरमाइएगा सर, अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया, आप भी अंदर हो गए कमरुल इस्लाम साहब की तरह तरह, तो ये इस जलके में कौन इलेक्शन लड़ेगा? पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज आप नहीं कह रहे, 15 चैनल वाले आए हैं, उनका शेख साहब ने ये कहा है, वाह इसका मतलब है कि शेख साहब ने अपनी हार तस्लीम कर ली है कि मैं इसके साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और वो अपने बड़ों को कह रहा है, जो उसके बड़े हैं, जो उसको ताकत देते हैं, वो उनको कह रहा है, नहीं बेटा वो उसको कह रहे हैं, वो उसको कह रहे हैं कि इसको सजा दिलवा दो। तो जावेद चौधरी साहब, आपने भी मेरे पे लिखा है बहुत दफा, मैं आपके चैनल के जरिए कहता हूं, खुदा की कसम मैं हनीफ अब्बासी में जब तक पहले मैं ये कहता हूं कि या अल्लाह आजमाइश से बचा, लेकिन ये याद रखिएगा चौधरी साहब, मैं 7 साल से अदालतों में खड़ा हूं, मैं शेख रशीद नहीं हूं। अगर फैसला आ गया आपके खिलाफ तो क्या, क्या करोगे? कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? इधर सुने, इधर सुने, इधर सुने, इधर सुने, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कैंपेन कौन करेगा? मेरी बात सुने, जवाब देने सुने। पहली बात ये है, अदालत का फैसला आएगा, मैं अदालत में खड़ा हूँ, अदालत से मैंने भागना नहीं है, ना मैं 7 साल भागा हूँ, ना मेरी कमर में दर्द हुई है, हुई भी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया, एक बार, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, आपका दिल भी ठीक लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी ठीक है, किसी की तरह नहीं है, लेकिन एक बात बता दूं, इसने कजाकिस्तान का टिकट कटवाया है, किसने? शेख रशीद ने, ये 25 जुलाई की रात को शाम को ये कजाकिस्तान भागेगा, मेरे खिलाफ जो फैसला होगा, सुने, मेरे खिलाफ जो फैसला होगा उसको मैं मिन्नतवान तस्लीम करूंगा। ये उसी तरह जब बचपन में हम दुआएं दिया करते थे, या अल्लाह इसको मोच आ जाए, मैं आगे निकल जाऊं, शेख मेरे मोच अभी नहीं आने वाली, इंशाल्लाह ताला तेरा 25 जुलाई को मुकाबला करें। मेरा सवाल बड़ा क्लियर है कि अगर आपके खिलाफ फैसला आ गया, नैब ने आपको कमरुल इस्लाम की तरह गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार कैंपेन कौन करेगा सर? इलेक्शन कौन लड़ेगा? ये बहने करेंगे, बच्चे करेंगे, बुजुर्ग करेंगे, जेल के अंदर से भी लड़ेंगे, इंशाल्लाह जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मेरा कायद जो 3 दफा का वजीर आजम जो है वो नाहल करार दिया जा सकता है, तो हनीफ अब्बासी किस चीज की मूली है? इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे इस चीज। और आप मतलब फर्ज करिए अगर इलेक्शन से भी रोक दिया जाए तो कवरिंग कैंडिडेट कौन है आपका यहाँ? मेरा कवरिंग कैंडिडेट मैंने रखा ही नहीं है, इतना बड़ा एतमाद है मुझे उस नीली छतरी वाले के ऊपर, मुझे सारी दुनिया ने कहा कि तुम कवरिंग कैंडिडेट रखो, मैंने नहीं रखा। लेकिन सर फिर तो शेख रशीद साहब जीत जाएंगे ना, आपका तो फिर मुकाबला खत्म हो गया ना, शेख रशीद साहब तो जीत गए ना। ये सुन ले, ठीक है जी, सुन ले, दूसरी बात ये, वो शेख रशीद की जीत को, उस जीत को कोई तस्लीम नहीं करेगा, उस जीत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। अच्छा ये
फरमाइए, अगर नैब तलब कर लेता है तो क्या आप आधा रावलपिंडी लेके चले जाएंगे? जैसे ये लोग नारे लगा रहे हैं और आप, मुझे ये महसूस है जैसे आप सब लोग पहले ये बात है साहब, मैं 7 साल अदालतों में जुलूस लेके जाता रहा हूँ, आप देखे ना भागने वाले कौन है, भाग वो रहे हैं, मैं तो खड़ा हूँ, तो इसलिए मैं जलसे जुलूस अदालतों की बात नहीं कर रहा। अदालत को जो फैसला करना है कल करना है, आज करे, आज करना है कल करे, उस पर तो मुझे पशेमानी ही नहीं है ना। मेरा इतमाद देखे ना अल्लाह के ऊपर कि मुझे दुनिया कह रही है कवरिंग कैंडिडेट दो, मुझे किस चीज़ की लालच है? क्या मैंने पहले MNA बन के एक किनार का घर मेरा 100 किनार का हो गया? क्या पहले मेरे पास होंडा थी, अब मेरे पास क्रूजर आ गई है? नहीं, मैंने अपने लोगों के लिए खिदमत की है, अल्लाह ताला इसको जानता है, और मैं जहां जा रहा हूं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, शाम का वक्त है, लोग इतनी वेलकम कर रहे हैं, इतनी इज्जत देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कैंपेन के लिए आएंगे यहाँ? सबसे पहली बात ये कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की जो तबीयत है उस पर मुनसर है, अगर वो उससे पहले ठीक हो जाती है तो मियां साहब पाकिस्तान आएंगे, जब पाकिस्तान आएंगे तो लाहौर में भी जाएंगे, पिंडी में भी आएंगे, चकवाल में भी जाएंगे, कराची में भी जाएंगे, पिशावर में भी जाएंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता तबीयत नहीं ठीक होती तो बहुत नज़दीक आते हैं तो फिर उस वक्त भी आएंगे, बेशक 10 दिन रहते होंगे, और पिंडी उनके लिए अनजान नहीं है, ये पिंडी वाले खड़े हैं। देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे रावलपिंडी? सर वो कराची जा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? शहबाज शरीफ इस रावलपिंडी के अंदर 15 दफा पिछले 5 साल में 15 से 20 दफा रावलपिंडी में आए, मेट्रो हो, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हो, शहबाज शरीफ पार्क हो, होली फैमिली हॉस्पिटल हो, बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल हो, सबके अंदर अगर कदम किसी का है और वो पत्थर जो लगा हुआ है वो भी बोल बोल के शबाश को। सर मैंने ब्रेक लेनी है लेकिन भाई साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। शेख रशीद साहब का ये दावा है कि अगर आपके अंदर इतनी जान है तो लाल हवेली के सामने जलसा करके दिखाएं कि आपके अंदर इतनी जान है। छोटी सी ब्रेक है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। सर अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी जान है, और अगर आप ये महसूस करते हैं कि रावलपिंडी आपका शहर है तो आप लाल हवेली के सामने खड़े होकर जलसा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने मुझे अकल दी हुई है और ये शेख शी साहब चाहते हैं कि वो जैसे बचपन में हम हारने के करीब होते थे ना, विकटें उठा के बंदा कहता मैच ड्रा हो गया, लड़ाई भी शुरू हो जाती थी, तो मैं शेख साहब को 25 तारीख तक कोई मौका नहीं दूंगा, 25 के बाद उनकी मैं ये ख्वाहिश लाल हवेली के सामने जलसा करके पूरी कर दूंगा। फरमाइएगा कि रावलपिंडी के लोग आपको क्यों वोट दें और अगर आप जीत गए तो उसके बाद इस शहर के लिए क्या करेंगे? देखिए जी, क्यों वोट देने वाली बात तो ये तारीख, ये दीवारें भरी पड़ी हैं, कॉलेज स्कूल बार बार क्या गिनवाऊं, ये ऑस्ट्रोट्रॉफ, ये सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड्स, ये फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम बच्चों के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आज ट्रांसपोर्ट है, क्या क्या नहीं है, लेकिन जो मेजर इशू है दो हैं हमारे, तीन, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम काबू पाएंगे, हमने 200 फुट की गली भी बनाई है, लेकिन मेन इशू है हमारे पीने का साफ पानी और पानी का जो लेवल है वो तकरीबन 600, 650 और 700 तक चला गया। अब गाजी बरोता से जो हमारा पानी की एक PC1 पहले से मौजूद है उस पर अमल दरामद करवाएंगे, हमारी रिंग रोड का मसला है ताकि हैवी ट्रैफिक बाहर चली जाए, और बाकी हमारे इस रावलपिंडी के अंदर तो मुझे कोई एज सच कोई इशू लगते नहीं है जिनको मैं बात। जो आपके हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं हुए उनका क्या करें? हॉस्पिटल मेरा जो लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट है वो नवंबर में, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने रोका है, उसका HVAC मुकम्मल है, उसके बाथरूम मुकम्मल है, उसके दरवाजे लग चुके हैं, सिर्फ उस रिक्रूटमेंट का इश्तहार भी आ चुका है, असल मसला 90 दिन के अंदर मशीनरी आनी थी, फंड्स रिलीज होने थे, इलेक्शन कमीशन ने रोका, नवंबर में मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको मैं एक दफ़ा RIC लेके गया था शुरू में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नवंबर में किडनी ट्रांसप्लांट पिंडी में होगा, हमारा बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल अपलिफ्ट हो चुका है, MRI 70 साल में पिंडी में MRI नहीं थी, MRI 70 साल में के बाद एक हमने होली फैमिली में नसब कर दी है, एक RIC में अगले महीने हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई हॉस्पिटल, मेरा कोई पार्क, मेरा कोई खेल का मैदान बाकी रहा हो जहाँ पे हमने अपलिफ्टिंग रखी। अजय, आपने कभी सोचा है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? जी, आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? अच्छा, मैंने बचपन से सोचा था कि मैं सियासी कारकुन हूँ, रहूंगा, बनूंगा, और यानी आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ नाराज हो जाएंगे इस बात से? नहीं नहीं, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वजीर आजम बन सकता हूँ, वजीर बन सकता हूँ,
स्पीकर बन सकता हूँ, जो जो दूसरा अब्बासी हो, मलिक हो, चौधरी हो, खान हो, सरदार हो, कोई भी बन सकता है, लेकिन हम बने। मेरा ख्याल है कुर्सियों को पाकिस्तान मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को अब्बासियों की आदत पड़ गई है, तो आप जाके बैठ जाए वहाँ पे। नहीं, हम उस वक्त बैठेंगे जब हमारी लीडरशिप चाहेगी, जब ये आवाम जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है ये चाहेगी, उस वक्त हम MNA बनेंगे, उस वक्त हम। फरमाइएगा कि अगर आप हार जाते हैं, इस तमाम तर कारकर्दगी के बावजूद, इस जोश और जज्बे के बावजूद, आप अपनी हार को तस्लीम कर लेंगे? मैंने तो पहले भी जो कुछ मेरे साथ हुआ, हाथ बांध के मेरे इलेक्शन लड़वाया गया, उस वक्त भी मैं चीखो पुकार तो नहीं की, मैं इमरान खान की तरह धरनों में तो नहीं जाके बैठ गया, मैंने जाके पिटिशन तो नहीं की, मैंने सर फेंका, लोगों की खिदमत करनी शुरू कर दी। हम तो खिदमतगार हैं, और इंशाल्लाह ताला ये खिदमत 20 साल की उम्र से शुरू हुई है। अल्लाह के फजल करम से पहले हम फ्री डिस्पेंसरी चलाया करते थे, अल्लाह ने शहबाज शरीफ दिया तो 400 बेड के हॉस्पिटल बना। अगर शेख रशीद साहब जीत गए, मुबारकबाद देने जाएंगे उनको, मैं अगर बगर पे यकीन नहीं रखता, और मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, ये अगर मगर को निकाल कर 25 जुलाई की शाम को मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा। अजय फरमाइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग दूर, मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। आपकी पार्टी का ख्याल ये है कि कोई खलाई मखलूक है जो हर हलके पे असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है, आपके आगे पीछे भी है कोई अखलाई मखलूक? देखिए, मेरे इर्द गिर्द जो मखलूक है ना जी, वो अल्लाह ताला की ये मखलूक है, ये मेरे इर्द गिर्द खड़ी है, और यकीन माने इतनी मोहब्बत की, ये जो कर्ज है ये इस तरह हम चुकाएंगे कि अगर हम पहले 24 घंटों में 18 घंटे काम किए, हम 22 घंटे अपने लोगों के काम आएंगे और अपने लोगों के साथ इस रावलपिंडी में खड़े होकर इनके मसाइल को हल करेंगे, और यही ताकत अल्लाह के बाद हमें जितवाएगी। अच्छा हरीफ भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं, एक चीज़ का एतराफ करना चाहता हूँ कि आप पिछले 5 साल MNA नहीं रहे, लेकिन आपने शहर के लिए बहुत कुछ किया, आप गलियों में भी नजर आए, आप बाजारों में भी नजर आए, लोगों के दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, और खेल के मैदानों में भी आप नजर आए, इसमें कोई शक नहीं, इसका एतराफ करना चाहिए। अगर खुदा ना खासा अगर ये इलेक्शन भी आप हार जाते हैं, तो लोगों के साथ इसी तरह खड़े होंगे? मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे लिए पोर्टफोलियो बानी नहीं रखता, मेरे लिए अपने लोगों की ये मोहब्बत और प्यार, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की तरफ जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा है। मैं आज भी मिसाल देता हूँ कि 120 साल हो गए गंगाराम को, गंगाराम के वक्त कौन वजीर था, कौन मुशीर था, कितनी दफ़ा वजीर बना, किसी को याद नहीं। आज 120 साल बाद लोग गंगाराम को होली फैमिली बनाने वाले को, गुलाब की देवी, जान की देवी बनाने वाले को याद करते हैं। ये इंसानियत की खिदमत जो है, यही तो अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है, वरना हम में और इंसान जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी अपने बच्चों को खाना खिलाता है, हम भी अपने बच्चों को जानवर खाना खिलाते हैं, वो भी शिकार करना सिखाता है, हम भी बच्चों को पाँव पाँव चलना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो असल जो फ़र्क है जानवर के दरमियान और इंसान के दरमियान, कि इंसान अपने साथ वाले हमसाये का ख्याल रखता है, अपने इलाके का ख्याल रखता है, अपने शहर का ख्याल रखता है, अपने मुल्क का ख्याल रखता है, और आप रखेंगे, आप करेंगे। आखिरी सवाल, आपको इमरान खान साहब वजीर आजम बनते हुए नजर आ रहे हैं? इस मुल्क पे लाए दो इमरान, दो चौधरी जो है वो वजीर आजम बन सकता है, इमरान खान नहीं बन सकता। आपके साथ हैं, आपने हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुनी, अगले एक वक्फा लूंगा, लेकिन वक्फे के बाद शेख रशीद साहब के हमने उनको सवाल भेजे थे, उन्होंने उनका जवाब दिया है, वो हम मुलाहजा करेंगे, यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस मेट्रो के चोर को भी मेट्रो के ऊपर गोली मारी है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी, शेख रशीद साहब रावलपिंडी में इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जो हिस्सा है ये हमने रिकॉर्ड किया था, मेरे साथी मंसूर साहब कैमरा लेकर गए थे, मेरे सवाल थे,
जवाब बहरहाल शेख रशीद साहब के हैं। प्रोग्राम को बैलेंस करना ज़रूरी था, ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक उम्मीदवार को हम ज़्यादा वक्त दे दें, इसलिए शेख रशीद साहब से रिक्वेस्ट की और ये कैमरा गया और उनके जवाब अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस मरतबा भी आप दो हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी आपको सपोर्ट कर रही है, क्या आप ये समझते हैं मुकाबला सख्त होगा और आप इस मरतबा भी भारी अक्सरियत से इलेक्ट हो जाएंगे? कोई मुकाबला नहीं, इंशाल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से, रिकॉर्ड तोड़ अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदके में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी होगी। लोग परेशान हो जाएंगे, मुखालिफ परेशान हो जाएंगे। क्या आप हल्का बंदियों से मुतमईन हैं? मेरा ख्याल है कि हल्के छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े हल्के कर दिए। यहाँ क्या है, ये मेंबर ना पानी दे सकता है, ना बिजली, ना गैस, और कोई नहीं, जनाजे ही पढ़ सकता है। जनाजे की रेंज में तो हल्का के कम से कम अफसोस कर सके, अगर इतनी दूर होगी तो क्या बनेगा। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि हमने रावलपिंडी का नक्शा बदल दिया, फ्लाईओवर्स है, मेट्रो बस है, हनीफ बादशाह अस्पतालों का क्रेडिट भी लेते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इन प्रोजेक्ट्स के वोट मिलेंगे? कलम दवात इनका हुलिया बदल देगी 25 तारीख को, ऐसा हुलिया बिगाड़ देगी कलम दवात के ये कानों को हाथ लगाएंगे कमीशन खोर। पानी पीने का नहीं है, बिजली नहीं है, अंधेरे में इंटरव्यू दे रहे हैं आपको और फिर आप कहते हैं कि जनाब अली हुलिया बदल दिया शहर। इमरान खान आपको याद होगा कि NA-56 से पिछली बार मुंतखब हुए थे, ये 5 वर्षों में 2-3 मरतबा अपने इलाके में आए, अपने हल्के में आए, ये बनीगाला से बाहर नहीं निकले। क्या इस रवैये का नुकसान होगा इस बार PTI को इन इलेक्शनों में? नहीं होगा जी, फायदा ही होगा, नुकसान क्यों होगा। तरीके इंसाफ का भी वोट बैंक है और हमारा भी वोट बैंक है, दोनों मिलकर इनको, अवामी मुस्लिम लीग की कलम दवात जो है सूबे में बल्ले से मिलकर इनको शिकस्त देगी इंशाल्लाह। शेख साहब आप इलेक्शन के इंतजाम से मुतमईन है? पोलिंग डे पर कोई बद इंतजामी या बेकायदगी का इम्कान तो नहीं? इंतजाम मैं कह रहा हूँ रात 12 बजे तक करो, बड़ी गर्मी है, पोलिंग स्टेशन पे साया नहीं है, पानी कहाँ से पहुँचाएंगे, वोटिंग लिस्टें अभी मिली हैं, 10 दिन लगेंगे इनको पोलिंग वाइज बनाने के लिए। सो इंतजाम इलेक्शन कमीशन से जितनी हो सकती थी वो तो उन्होंने हिम्मत की है, बाकी अगर ये भी मेहरबानी कर दें रात 12 बजे तक पोलिंग कर दें। पोलिंग का वक्त अगर रात 12 बजे तक हो जाए तो इससे आपको क्या फायदा होगा? बूढ़े लोग जो है वरना गर्मी हुई गिरेंगे, बेहोश होंगे, 3-3 घंटे, इतनी आबादी है, 3-3 घंटे उन्होंने लाइन में कैसे खड़े होंगे जी। सो अब सोच रहे हैं ऐसा सिस्टम बनाएं कि नौजवानों के लिए और टाइम दें, बुजुर्गों के लिए और टाइम दें, बड़ी 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 मुश्किल है जी कैंडिडेट्स के लिए। जैसा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुसलसल प्री पोल रिगिंग के इल्जाम लगा रही है, शायद खाकान अब्बासी ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन मुतनाज़े हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि वाकई इलेक्शन एक सीट से तो प्री पोल रिगिंग नहीं होती ना जी, एक सीट क्या मैटर करती है, प्री पोल रिगिंग होती है कम अज कम 50 सीटों से या 70 सीटों से। वो कहते हैं नून लीग को टारगेट किया जा रहा है, इलेक्शन से एक महीने पहले सिर्फ हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चोर ही नून है तो फिर नून नहीं टारगेट होना ना, मैंने तो नहीं होना, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब 9C का फैसला आना है, अब एफिड्रीन के फैसले आने हैं। सो फिर ये कहना है कि नून टारगेट हो रही है, आपकी करतूत ही ऐसे हैं, आपने टारगेट होना ना, मैंने तो नहीं होना इंशाल्लाह। क्या इसे मुस्लिम लीग नून के हक में अवामी हमदर्दी पैदा नहीं हो रही? आप नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका सियासी फायदा होगा? पता नहीं, मैं तो कोई फायदा नहीं देख रहा, मैं तो नून की पोजीशन रोज बरोज कमजोर हो रहा हूँ और 8-10 दिन में और कमजोर हो जाएगी। क्या चौधरी निसार की वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा हो चुकी हैं या अब भी पैचअप का इम्कान मौजूद है? क्या कहते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो शहबाज शरीफ से तो तलक रखेंगे, नवाज शरीफ ने उनके मुकाबले में कैंडिडेट दिए हैं, अब देखें क्या नतीजा होता है। पहली दफा वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमने तो सारी जिंदगी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चौधरी निसार के इस तरह अलग होने और अचानक मुखालिफ होने का नुकसान होगा? नून को इज्तमाही तौर पे भी नुकसान होगा, सिर्फ निसार ही नहीं, इज्तमाही भी उनका बड़ा बुरा हाल होगा, ये पिंडी डिवीजन जो है उनको फारिग होगी वो बिल्कुल। आप फर्ज कीजिए शेख साहब आप इलेक्ट हो जाते हैं, तो इलेक्ट होने के बाद आपका क्या प्लान है, चंद बड़े मसूबे जो आप इस इलेक्शन को जीतने के बाद मुकम्मल करेंगे? अभी तो पानी रह गया, एजुकेशन हमने दिया है, मेडिकल कॉलेज मेडिकल हॉस्पिटल का 29 को आ रहे हैं, खुद चीफ जस्टिस साहब में केस लगा, देखें 28 को क्या होता है, वो विजिट भी करेंगे हॉस्पिटल। मसाइलिस्तान है जी, क्या है नस, पहले सड़क बनाते हैं फिर सीवरेज डालते हैं फिर सड़क बनाते हैं फिर
गैस वाले आ जाते हैं, सारी तबाही और बर्बादी है, चोर और कमीशन खोर। करप्शन नहीं खत्म होगी तो मसला ही मसला है। शेख साहब, आपकी इस हलके में स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त इस इलेक्शन में तो खत्म नबूवत है, तो मुझे नया टाइटल दिया है मेरे शहर ने कि मुजाहिद खत्म नबूवत, और सारी दीनी ताकतें मेरे साथ हैं। पहली दफ़ा मेरी शेख बरादरी भी साथ है, आज तक वो नहीं चली। और मेरा माइनस पॉइंट जो ये है कि वो हमारे जो नीचे कैंडिडेट हैं उनमें जिन लोगों को टिकट नहीं मिले उनके थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं, वो दूर कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप खत्मे नबूवत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एहसन इकबाल पर हमला हुआ, मियां नवाज़ी पर जूते से हमला किया गया, क्या खत्मे नबूवत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त है? हाँ, इन्होंने खत्मे नबूवत सियासत के लिए इस्तेमाल किया था, हमने तो नहीं किया, हमने तो कौम को बताया। ये तो सारे मारने आए हमें, ये तो दो दफ़ा मारने आए असम्बली में, बाद में इनको समझ आई जब कौम शेख रशीद के साथ खड़ी होगी कि शेख रशीद ने जब ये कहा कि मैं आग लगा दूंगा इस सारे निज़ाम को, फिर ये मेरे पाँव पड़ गए, जो इनकी आदत है, काम मतलब हो तो पाँव पड़ते हैं और मतलब निकल जाए तो गले पड़ते हैं। सो कोई सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक मेरा रोल है जो किसी से अल्लाह ने नहीं लिया, अल्लाह के नबी ने मुझसे लिया, इसलिए सारी दीनी ताकतें जो हैं वो कलम दवात के साथ हैं रावलपिंडी में। शेख साहब, ये फरमाइए, 2018 के बाद क्या आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत देख रहे हैं? मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनकी हुकूमत बने, और अगर उनकी हुकूमत बनी तो उसमें मेरा इंपॉर्टेंट रोल होगा। 10 नंबर का जूता लेके जा रहा हूँ, फिर खड़काई और ठुकाई, और ये जेलों में होंगे साले चोर जितने हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि इलेक्शन के नतीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके बावजूद जीत जाती है, तो क्या आप और तहरीक इंसाफ दोनों इन नतीज को तस्लीम कर लेंगे? हमने तो कभी नहीं डाला, हमने तो करप्शन का शोर डाला है। हम तो जुडिशल कमीशन में भी खान साहब जब गए हमारी राय मुख्तलिफ थी, तो इंशाल्लाह ताला बहुत दूर जीतेंगे, तारीख वोट पड़ेगी इंशाल्लाह नबी के सदके में। अगर मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज पाकिस्तान नहीं आते या ये गिरफ्तार हो जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, आते हैं नहीं आते हैं, गिरफ्तार होते हैं नहीं आते हैं, लोग जा रहे हैं गर्मी से खौफ ज्यादा हूँ के बुजुर्ग 50-60-70 बेहोशी ना हो जाएं, 5-10 मरी ना जाएं, सारे मुल्क में ज्यादा भी मर सकते हैं, इतनी गर्मी है। NS62 से बैरिस्टर दानियाल चौधरी को आपके मुकाबले में टिकट दिया गया, दानियाल यंग हैं, ये आपके मुकाबले में कैसे उम्मीदवार साबित होंगे? पैसे वालों का रोल है ही मेरे मुखालिफ, वो समझते हैं पैसों से पिंडी को खरीदा जा सकता है, एक नहीं 4 टिकट उस खानदान को दिए हैं, पैसा जी सब इन्होंने सारे मोजे के मोजे खा गए हैं, सरकारी जमीनें गरीबों को बेच दी हैं, अब आप देखना कैसा इंतकाम लेंगे। और उधर से इधर आ गया और इधर वाला उधर भेज दिया, ये अजीब हिकमत है, जो शहर में रहता था उधर उधर भेज दिया और उधर वाले को इधर भेज दिया। शेख साहब, आखिरी सवाल ये बताइएगा, हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफईडीएम का केस चल रहा है, आप इनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रब्ता क्यों नहीं करते? नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं इतना फारिग नहीं, वो खुद शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है और सारे केसेस इतना साल हो गया। हमारा कह रहे थे कि जनाब हमें तो अमीन और सादक अल्लाह ताला के फजल से कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, अब इनका मसला ये कहे कि ये इतने टन एफिड्रीन जो है वो उसका माल किधर है, कोई 2-4 किलो 5 किलो हमें भी उसके पैसे दे। इलेक्शन महंगा हो गया क्योंकि मुकाबले में अरबपति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, तो ऐसे आलम में हमें भी 5-1 किलो एफिड्रीन दे दे। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अख़बार साहब, आपने दोनों उम्मीदवारों की गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।